हाँ तो सबसे पहले तो नमस्कार सभी दोस्तों को। आज अंबेडकर एक्ट एजुकेशन मिशन क्लासेस में आपका मैं आपका फ्रेंड अजय पढ़ियार। जैसे कि आप सबको पता है कि अंबेडकर एक्ट एजुकेशन मिशन की क्लासें डेली चल रही हैं। आपको इस चीज का भी पता होगा कि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासें जो है वो चैनल्स पर घेर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो ऑफलाइन क्लासों में भी आपको इंग्लिश और पॉलिटिकल की क्लासें मिल जाएंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे अंबेडकर एकता एजुकेशन मिशन की जो फीस है मात्र 100 रुपए, जो आप जैसे निःशुल्क मान सकते हैं इसको, और वीकली टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे स्टूडियो पे जाके या फिर हमारे चैनल पर जाकर आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और कुछ एक बच्चों का कमेंट भी आया, उसके लिए धन्यवाद। और उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, आपको फॉलो कर रहे हैं, जो उनका भी धन्यवाद। कमेंट कुछ इस तरह से आया कि सर बोर्ड की दिक्कत आ रही है तो हमने उसको भी सही कर दिया है, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो भी दिक्कत पेश करेंगे हम आपका उसका सोल्यूशन लेकर आएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे इतिहास में मुगल काल की, उसी टॉपिक पे आते हैं। तो मुगल काल में हमने सबसे पहले बाबर की बात की। किसकी बात की? बाबर की। बाबर के बारे में मैंने आपको ये चीज बताई कि किस तरह से बाबर भारत में आता है। उससे पहले मैंने ये चीजें बताई थी कि जब मंगोल जो थे, या फिर मैं तुर्कों की बात करूं, जैसे चंगेज खान था, उसके पूर्वज थे जैसे तैमूर लंग था, वो भारत में आए थे तो उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या था? लूटमार करना। शासन का उद्देश्य किसी का भी नहीं था अभी तक। अब जैसे ही बाबर भारत में आता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है, हालांकि नहीं होता, क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जब कुछ इस तरह से कंडीशंस बनती हैं, कि भारत का ये जो एरिया है पहले साथ में था 1947 से पहले, विभाजन से पहले, मैंने ये चीज बताई थी ये भारत, और यहां पर क्या था कि एक समरकंद का एरिया था। कौन सा? समरकंद का एरिया था। और यहां पर क्या है कि जहां पर फरगना है, जहां पर क्या है कि बाबर का स्वातिक शासन रहता है, बाबर बार बार क्या कर रहा था कि इधर की ओर आक्रमण करे जा रहा था बार बार, बट वो असफल रहा था। उसके बाद में अचानक क्या है कि उसके दिमाग में ये चीज आती, क्यों ना अपने को इधर आक्रमण करना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने ये बताया कि बाजौर भैरा का किला, जैसे बाजौर का किला, भैरा पंजाब का किला, ये राजस्थान का एरिया, यहां पर उसने आक्रमण किया, सियालकोट पर आक्रमण किया उसने। मैंने ये सारी चीजें आपको क्लास में बता दी थी, पिछली क्लास में, जो आप पीछे वीडियो जाकर देखें, अंबेडकर एकता एजुकेशन मिशन की प्लेलिस्ट में जाकर देखें आप हिस्ट्री की, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, मैंने ये चीज बताई थी आपको कि किस तरह से बाबर क्या करता है कि 1526 के मध्य तक क्या है कि बाबर चार बार आक्रमण करता है। कितने बार? चार बार आक्रमण करता है भारत पर, और उसमें से यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध आक्रमण होता है, और उसमें ये चीज मैंने बताई कि बाजौर और भैरा के किले पर भी आक्रमण होता है, सियालकोट पाकिस्तान पे भी आक्रमण होता है, चार आक्रमण किए। उसके बाद मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि बाबर क्या करता है कि 1526 से 1530 तक जो उसका शासन काल होता है उसमें उसने चार युद्ध लड़े। उसमें कितने युद्ध लड़े? उसने चार युद्ध लड़े। वो चार युद्ध मैंने बताया था कि सबसे पहले पानीपत का युद्ध था, ये पिछली क्लास की बातें हैं जो मैं दोहरा रहा हूं ताकि आपकी क्या है कि उसमें रिविजन हो जाए। सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद में क्या है कि खानवा का युद्ध हुआ, उसके बाद में खानवा का युद्ध देखने को मिला आपको, फिर मैंने चंदेरी के युद्ध की भी चर्चा की थी, और फिर मैंने घाघरा के युद्ध की चर्चा की थी। ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमने पिछली क्लास में कर ली है, और मैंने ये चीज बताई थी कि बाबर का जो शासन काल है मात्र 4 साल का था, और चारों के चारों साल उसने क्या किए? युद्ध किए थे। ये सारी चीजें अपने क्या कवर कर गए थे। और मैंने ये भी बताया था किस तरह से तोप का प्रयोग करता है, किस तरह से बंदूकों का यूज किया गया बाबर के द्वारा। और बाबर की अगर मैं बात बताऊं तो बाबर का जो पुत्र था कौन? हुमायूं, जिसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे क्लास में। अच्छा, हुमायूं का जो शासन काल है, वैसे हुमायूं का जो नाम का अर्थ मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि सौभाग्यशाली, नाम का अर्थ क्या है इसके? सौभाग्यशाली। अच्छा, नाम अगर इसका देखा जाए कि सौभाग्यशाली है, बट इसका जो जीवन काल रहा इसमें कोई भी काम उसका सौभाग्य जैसा नहीं रहा, सभी काम उलट हुए। आखिर तक क्या है कि लड़खड़ाते हुए हुमायूं मारा गया था, ये चीज आपको भी पता होगी, आज हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब बाबर की जो मृत्यु होती है 1530 ईस्वी में, कब? 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है,
लगभग 26 दिसंबर के आसपास, 26 दिसंबर के आसपास बाबर की मृत्यु होती है। और मरने से जस्ट पहले क्या है, बाबर एक चीज कह के जाता है हिमायूं को कि साम्राज्य अपने भाइयों में बांट लेना, साम्राज्य क्या करना अपने भाइयों में बांट लेना। अच्छा, यहां से ये चीज पता चलती है कि जैसे ही 26 दिसंबर क्या 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हुई तो 30 दिसंबर को क्या है कि राज्याभिषेक होता है, यानी कि शासन कौन संभालता है, हिमायूं संभालता है। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी आपको कल की क्लास में भी, पिछली क्लास में सॉरी। अच्छा, चीज क्या थी कि बाबर के हिमायूं पुत्र था, उसके अलावा उसके तीन पुत्र क्या मैं कह सकता हूं, चार पुत्र और भी थे। कौन कौन से? नंबर एक कामरान और एक अस्करी। ये जो दो पुत्र थे ये दोनों के दोनों क्या है कि गुलरुख बेगम के पुत्र थे। किसके? ये दोनों के दोनों किसके पुत्र हैं? ये गुलरुख बेगम के, ये दोनों गुलरुख बेगम के पुत्र हैं। और इसके अलावा आपको नाम मिलेगा हिंदाल का, जो हिंदाल जो था, कौन है हिंदाल, ये जो हिंदाल जो था ये आपकी दिलदार बेगम का पुत्र था। अच्छा, ये तो दोनों क्या है कि तीनों, सॉरी दिलदार बेगम, ये तीनों जो है ये तो क्या है हिमायूं के भाई हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम एक आपको मैं बता रहा हूं जो आगे इतिहास में चर्चित भी है, सुलेमान मिर्जा के नाम से। कौन? सुलेमान मिर्जा। ये जो सुलेमान मिर्जा है ये हिमायूं का चचेरा भाई था। कौन था? चचेरा भाई। अच्छा, ये चार बंदे हो गए, अब कितने बंदे हो गए? चार बंदे हो गए। अब ये देखो, चार एक हिमायूं यानी कि पांच, हिमायूं के समेत कितने हो गए? पांच हो गए। अच्छा, साम्राज्य का विभाजन क्या था? पांचों के अंदर हुआ था। किस तरह से हुआ साम्राज्य के विभाजन, उसके बारे में बात करते हैं अपने सबसे पहले। बाकी जो चीजें हैं हिमायूं के बारे में मैंने आपको बता दी थी कि हिमायूं के पिता का क्या नाम था, बाबर। हिमायूं की बात करते हैं अपने, हिमायूं के बारे में मैंने बता दी कि उसके पिता का नाम बाबर था और उसकी माता का नाम माहम बेगम था, जो मैंने बताया था कि खुरासान का जो सिया सरदार था, यानी कि जो मुस्लिम पंथ सिया, उसके पुत्री थी। कौन? माहम बेगम, जो इसकी माता थी हिमायूं की। अच्छा, हिमायूं के शासनकाल की अगर मैं बात करूं तो 1530 ईस्वी से, ये चीज याद रखना कि मुगल काल में एकमात्र ऐसा शासक है हिमायूं जिसका शासनकाल दो बार आया। कितने बार आया? दो बार आया, क्योंकि शेरशाह सूरी का बीच में शासन हो जाता है, अफगान साम्राज्य द्वितीय अफगान साम्राज्य की जो नींव डालता है कौन? शेरशाह सूरी। मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगा आज इसी क्लास में। और मैंने ये भी चीज बताई हुई है कि जो बहलोल लोधी लोधी वंश का जो शासक था वो प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डालता है, ये चीज याद रखना। आप पिछली क्लासों को जाकर भी देख सकते हो इस चीज के बारे में। 1530 ईस्वी से लगभग 1556 ईस्वी तक क्या है शासनकाल रहा किसका? हिमायूं का। इसकी आपको राज्याभिषेक की मैंने चीजें बता दी और इसके बारे में जो जो चीजें मैंने पिछली क्लास में बताई वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो साम्राज्य विभाजन हुआ वो किस तरह से हुआ, ये चीजें आप गौर से समझ सकते हो। अच्छा, ये तो जैसे वर्तमान भारत उसमें आ गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा वाइड लेके चला जाऊं तो 1947 यानी कि जो विभाजन हुआ उससे पहले की बात, ठीक है, ये एरिया भी अपने साथ में था। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो कामरान जो था उसको कौन कौन से क्षेत्र दिए गए, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि दिल्ली में किसका शासन है वर्तमान में? दिल्ली में हुमायूं है। दिल्ली में कौन है? दिल्ली में हुमायूं। अच्छा, कामरान को कौन कौन से क्षेत्र दिए गए? तो कामरान को एक तो दिया गया काबुल पाकिस्तान का एरिया, एक कंधार दिया गया अफगानिस्तान का एरिया। एक तो कौन सा दिया गया? काबुल। आप नक्शे में एग्जैक्ट लोकेशंस की उम्मीद रख सकते हैं, आपको मैं दिशा निर्देश बता रहा हूं। यहां पर कौन सा आ गया? कंधार। ये कंधार, ये तो दो एरिए जो थे ये किसको दिए गए? कामरान को दिए गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं कि अस्करी को कौन कौन से क्षेत्र दिए गए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, क्योंकि आगे जब मैं आपको गुजरात संघर्ष के बारे में बताऊंगा तो ये चीज मेन सामने निकल के आएगी, ठीक है। अच्छा, अस्करी की अगर मैं बात करूं तो संबल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, ये जो एरिया है आपको अगर ध्यान में रहे, ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है? संबल प्रदेश। संबल प्रदेश यानी कि यूपी, यूपी लिख देता हूं मैं, उत्तर प्रदेश। ये वाला जो एरिया है ये किसको दिया गया था? अस्करी को दिया गया था। साम्राज्य का विभाजन हो रहा है किसका?
मुगलिया एम्पायर यानी कि उसका जो साम्राज्य था बाबर के बाद में अपने भाइयों में बांट रहा, कौन? हुमायूं। कामरान को कंधार, काबुल दोनों दे दिए गए हैं। उसके बाद में संबल प्रदेश दे दिया गया है किसको? अस्करी को। अब किसकी बारी आई? हिंदाल की। हिंदाल को क्या है कि आपने अफगान सुना होगा, बदख्शां, अफगान सुना होगा, बदख्शां का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये किसको दिया गया था? क्या नाम इसका? बदख्शां। ये जो बदख्शां जो है यानी कि जो अफगान, लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, ये जो एरिया है ये किसको दिया गया? आप याद रखना, हिंदाल को दिया गया। यहां तक आपको बेसिक से जानकारी मिल चुकी है। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, सॉरी गलती से, ये जो एरिया है कौन सा? अफगान यानी कि बदख्शां का जो एरिया है ये किसको दिया गया था? सुलेमान मिर्जा को। किसको दिया गया? सुलेमान मिर्जा को। इस चीज को आप याद रखना क्योंकि ये इसका चचेरा भाई है। आगे जाके गुजरात संघर्ष में इसकी मोस्टली अपने बात करके जाएंगे। बदख्शां अफगान का एरिया किसको दिया गया? सुलेमान मिर्जा को दिया गया, ठीक है, जिसका चचेरा भाई है किसका? हुमायूं का। अब बात आती है किसकी? हिंदाल को कौन सा एरिया दिया गया था? तो आपको पता होगा कि जो राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान में आपने अलवर का नाम सुना होगा। राजस्थान में कौन सा? आपने अलवर का नाम सुना होगा। अलवर में आपको मेवात क्षेत्र, कौन सा? यहां पर एग्जैक्ट लोकेशंस मैं यहां पे बता देता हूं आपको कि कुछ इस तरह से, अच्छा ये वाला जो अलवर का जो क्षेत्र है इधर, यहां पर अलवर का, अलवर के में क्या है कि यहां पर मेवात क्षेत्र है। कौन सा? मेवात क्षेत्र। ये जो मेवात क्षेत्र है ये किसको दिया गया था? हिंदाल को दिया गया था, ठीक है। ये किसको दिया गया? हिंदाल को दिया गया। अच्छा, इस तरह से क्या है कि हुमायूं क्या करता है, अपने भाइयों में सारा का सारा क्या है, साम्राज्य विभाजन कर देता है। इस साम्राज्य विभाजन की अगर मैं बात करूं तो कामरान इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। कामरान क्या था कि इससे नाखुश था। कामरान ये सोचता था कि ये साम्राज्य विभाजन ठीक नहीं हुआ है, यानी कि उसको लगा कि मुझे कम क्षेत्र दिए गए हैं। इस तरह से उसने क्या की? खिलाफत। उसने खिलाफत कर दी। खिलाफत किस तरह से करता है कि कामरान क्या कर देता है, थोड़े समय बाद में पंजाब पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। पंजाब पर क्या किया उसने? आक्रमण कर दिया। अच्छा, अब उसने पंजाब पर जैसे ही आक्रमण किया तो यहां से एक चीज ये निकल के आती है कि हुमायूं क्या कर देता है कि इस वजह से कि मेरा भाई है कौन? कामरान। ये चीज सोचकर क्या है कि उसको माफ कर देता है कौन? हुमायूं। हुमायूं ने क्या किया कि पंजाब आक्रमण करते ही किसके? कामरान पर, कामरान के द्वारा पंजाब आक्रमण करते ही इसको माफ कर दिया जाता है कि कोई बात नहीं, मेरा भाई है, छोड़ दो उसको। अच्छा, उसके बाद में एक चीज सामने ये निकल के आती है कि एक तो कौन? जमान मिर्जा। एक तो कौन? जमान मिर्जा। एक जमान मिर्जा और दूसरा कौन? सुलेमान मिर्जा। ये दोनों ही क्या करते हैं कि बगावत करते हैं। किसके खिलाफ बगावत करते हैं? हुमायूं के खिलाफ दोनों ने बगावत की। अच्छा, दोनों ने जब बगावत की तो इसमें चीज ये सामने निकल के आई कि सुलेमान मिर्जा को तो क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार यानी कि कैद कर लिया जाता है, बट जमान मिर्जा जो है ये भाग जाता है। अब ये जब भाग गया तो इसने शरण कहां पर जाके ली? इसने शरण ली, आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बिटा दो, ठीक है। इसने शरण ली गुजरात का शासक बहादुर शाह, उसके पास जाकर। अच्छा, अब इसने जब शरण ले ली उससे तो हुमायूं ने क्या किया कि उसको एक संदेशा भेजा कि भाई जमान मिर्जा को हमारे हवाले कर दो। पर यहां से ये चीज सामने निकल के आई कि बहादुर शाह मना कर देता है कि हम जमान मिर्जा को आपको नहीं सौंपेंगे। इस चीज से खफा हो जाता है कौन? हुमायूं। आगे स्टोरी में आपको बताता हूं किस तरह से रही। दोबारा आपको नक्शा इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा, यहां से ये देखो चीज कि गुजरात का शासक कौन है? यहां पर गुजरात का एरिया, गुजरात, ठीक है, गुजरात शासक कौन है? बहादुर शाह। अच्छा, ये बहादुर शाह, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? गुजरात संघर्ष की। किसकी बात कर रहे हैं? गुजरात संघर्ष की। इस चीज को आप याद रखिएगा, गुजरात संघर्ष की बात कर रहे हैं। अच्छा, गुजरात संघर्ष में देखो कि यहां पर अब दोनों ने विद्रोह किया हुमायूं के खिलाफ। हुमायूं ने सुलेमान मिर्जा को तो गिरफ्तार या कैद कर लिया, बट जमान मिर्जा कहां आ गया? बहादुर शाह के पास आ गया। जमान मिर्जा अब इसकी शरण में है। जमान मिर्जा इसकी शरण में है, शरण में, ठीक है।
अब यहां पर ये चीज सामने निकल के आई कि अब जैसे पत्र भेजा हुमायूं ने तो इसके खिलाफ कि मुझे जमाल मिर्जा सौंपा जाए तो मना कर दिया बहादुर शाह ने, तो यहां से हुमायूं दिल्ली से चलता है किसको सबक सिखाने के लिए, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं हो सकती, आप इसका थोड़ा ध्यान रखें, दिल्ली की बात कर रहा हूं, कहां से चला हुमायूं, दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से ये चला किसका पीछा करने के लिए, बहादुर शाह को सबक सिखाने के लिए। अब यहां पर आप एक चीज देखना कि यहां पर मध्य प्रदेश का जो एरिया है मालवा का जो आपको क्षेत्र पता होगा, तो वहां पर क्या ग्वालियर नाम का क्षेत्र आता है, कौन सा ग्वालियर, ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश यानी कि मैं एमपी लिख रहा हूं, तो एमपी का क्षेत्र आता है। हुमायूं क्या करता है इसको सबक सिखाने के लिए, सबसे पहले कहां आया, ग्वालियर आया, ग्वालियर आकर ये ठहरता है। इसी बीच में क्या होती है, घटना होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है तो उसके हिसाब से, अगर कोई मोस्टली इंडिया जीके की तैयारी कर रहा है तो उसके हिसाब से भी, ठीक है। अब यहाँ पर एक घटना क्या हुई कि आपको थोड़ा सा मैं फीडबैक दे देता हूं कुछ चीजों का, कि आपको याद होगा जब खानवा का युद्ध हुआ था तो वहां पर बाबर ने जो राणा सांगा की पत्नी कर्मावती थी उसको हिंदू पुत्री कहकर पुकारा था, ये चीज आपको याद होगी, मैंने क्लास में बताया भी था उस टाइम, ठीक है। अच्छा ये वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जब उसने हिंदू पुत्री कहकर उसको पुकारा था, किसने, बाबर ने हिंदू पुत्री किसको, कर्मावती को, किसने पुकारा, बाबर ने। अच्छा उसने जब इस चीज को पुकारा तो वहां पर एक चीज सामने निकल के आई कि अब हुमायूं जो है किसका पुत्र है, बाबर का। अब ये बाबर का जो पुत्र है हुमायूं, तो कर्मावती क्या हुई, उसकी बहन हुई ना, कर्मावती उसकी बहन हुई। अब यहां पर क्या होता है कि बहादुर शाह, स्टोरी को समझना आप आराम से, कि बहादुर शाह क्या करता है कि जो राजस्थान में यानी कि आपने मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र सुना होगा, वहां पर क्या करता है, ये आक्रमण करता है, वहां का घेरा डाल लेता है। अब उसने क्या कर लिया कि मान लीजिए यहां पर ये वाला जो एरिया कौन सा है आपका, चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ के किले पर क्या कर लेता है, घेरा डालता है। इसने क्या कर लिया, घेरा डाल लिया। जैसे ये घेरा डालता है तो ये घेरा मैं आपको बता दूं 1534 से तकरीबन 1535 ईस्वी तक, इसके बीच बीच में क्या ये घेरा डाला जाता है। अब यहां से क्या होता है कि जैसे ही इसने घेरा डाला बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर, तो वहां से क्या है कि कर्मावती ये मोस्टली पूछा जाता है कि जब कर्मावती क्या है कि चिट्ठी भेजती है हुमायूं को, तो हुमायूं कहां पर था, तो वो ग्वालियर में था, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसने चिट्ठी भेजी किसको, हुमायूं को, कि मेरी रक्षा करो। अब ये चीज देखना एक चीज कि इधर से तो क्या है कि कर्मावती जो है वो चिट्ठी भेज रही है किसको, हुमायूं को। ज्यादा चीजें बोर्ड पे नहीं आ सकती, आप मेरे लेखन या भाषा पर जाना कि हुमायूं को चिट्ठी भेज दी किसने, कर्मावती ने, जो कहां पर है, ग्वालियर में है। अब यहां से ये चीज सामने निकल के आती है कि इधर से बहादुर शाह भी क्या है, एक पत्र भेजता है किसको, हुमायूं को, जब वो ग्वालियर में होता है। तो अब इधर से बहादुर शाह ने क्या किया, एक पत्र भेजा जब ग्वालियर में हुमायूं था, तो उस पत्र में क्या लिखा था, ये चीज जाननी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। क्या लिखा था उसमें लिखा था कि काफिरों का साथ मत देना, क्या लिखा था कि काफिरों का साथ मत देना। अच्छा ये क्यों लिखा हुआ था आपको अगर पता हो, क्योंकि देखो कर्मावती यानी कि राणा सांगा का परिवार चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है, या फिर मैं कहूँ वहां के शासक हिंदू शासक हैं। अब गैर मुस्लिमों की बात यहाँ पे सामने आती है कि काफिरों का साथ मत देना, यानी गैर मुस्लिमों का साथ मत देना, क्योंकि बाबर क्या था मुस्लिम था, इस चीज आपको भी पता है। और मैंने एक चीज बताई थी, बाबरनामा में जिक्र करता है कि गुजरात क्या था, एक मुस्लिम साम्राज्य था, यानी बहादुर शाह भी क्या एक मुस्लिम है। अब दोनों मुस्लिम क्या है कि आपस में जब ये बात कर रहे हैं कि दूसरे का साथ मत देना, यानी कि उनका साथ मत देना काफिरों का। अब इसी सोच में क्या है कि हुमायूं क्या है कि सोचने लग जाता है कि क्या साथ दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसी बीच में क्या होता है कि यहां पर अब विजय पा लेता है, कौन पा लेता है, बहादुर शाह। इसी बीच में क्या है, चित्तौड़गढ़ पर विजय पा लेता है बहादुर शाह, और जैसे ही ये विजय पा लेता है तो हुमायूं को एकदम से ये चीज नजर आती है कि ये गलत हुआ है, क्योंकि उसको इस तरह से एकदम से पता चलता है कि हिंदू पुत्री कहकर अगर मेरे पिताजी ने उसको पुकारा तो मेरी बहन हुई कर्मावती, तो वहां से क्या है कि उसके ज्वाला, इतनी बड़ी ज्वाला की स्टोरी क्या होगी आगे मैं आपको बताता हूं, कि जैसे ही हुमायूं को पता चला कि नहीं मेरे को कुछ करना चाहिए, तो ग्वालियर से वो सीधा क्या है कि मंदसौर आता है, मंदसौर मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, वो मंदसौर आता है एमपी में,
और यहां पर आकर क्या है कि 1535 ईस्वी में, चीज याद रखना, 1535 ईस्वी में ये बहादुर शाह को हराता है। किसको हराता है? बहादुर शाह को। अच्छा, जैसे ही इसने भी बहादुर शाह को हरा दिया, एक बार स्टोरी में आपको बताता हूं, फिर से वापस आऊंगा इसी जगह पर कि 1535 ईस्वी में बहादुर शाह को हराया। इसको हराने के बाद में क्या हुआ कि अब जैसे ही बहादुर शाह हार जाता है तो ये यहां से क्या कर जाता है, पलायन, यानी कि भाग जाता है। ये भागकर कहां पर जाता है? मांडू। मांडू भी मध्य प्रदेश में है। मांडू मध्य प्रदेश यानी एमपी। ये क्या हो जाता है कि मांडू भाग जाता है। अब जैसे ही मांडू गया तो मांडू से, अब जैसे अब बहादुर शाह मांडू आ गया है तो मांडू आते ही क्या है कि ये रिलैक्स लेता है। इसको ये नहीं पता होता कि हिमायूं मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब इसको ये नहीं पता होता कि हिमायूं इसके पीछे पीछे आ रहा है, तो हिमायूं क्या होता है, इसके पीछे पीछे आ जाता है मांडू कि मैं छोड़ूंगा नहीं बहादुर शाह को, इसने ये काम गलत किया है, बहन की रक्षा करने के लिए इसने इतना कुछ कर दिया था, ऊपर लगा दिया। अब ये मांडू पीछे पीछे आया, अब बहादुर शाह को ये पता चल गया कि भाई हिमायूं छोड़ने वाला नहीं है। हिमायूं वापिस कहां पर? गुजरात में, अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात जो है वहां पर भाग जाता है। कौन? हिमायूं। ओ, बहादुर शाह। अब बहादुर शाह वहां पर चला गया तो हिमायूं भी अहमदाबाद इसके पीछे पीछे हो लिया कि छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। अब इसको पता चल जाता है कि हिमायूं छोड़ने वाला नहीं है। जान बचाने के लिए इसने क्या किया कि पलायन कर गया सीधा कहां पर? गोवा में। गोवा, आपने गोवा सुना होगा, देखा होगा, गोवा में पलायन कर जाता है, गोवा भाग जाता है। फिर इसकी कहीं ना कहीं जान बचती है। किसकी? बहादुर शाह की। अब वहां पर स्टोरी यहां तक आती, गोवा भाग गया, बहादुर शाह की जान छूट गई है। वापिस वहीं पर आता हूं मैं कि 1535 ईस्वी में जैसे ही बहादुर शाह को हराया किसने? हिमायूं ने। तो मोस्टली ये चीज पूछी जाती है या फिर आपसे पूछ लेता है कि हराने के बाद में वहां का शासन जो है किसको सौंपा था, ये चीज आपसे पूछ ली जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, आप याद रखना इस चीज को, क्योंकि मैंने बताया था अस्करी का नाम आपको। किसका? अस्करी का। गुजरात का जो शासन है वो किसको सौंपा जाता है? अस्करी को सौंपा जाता है। और गुजरात का जो शासन है उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, गुजरात का शासक किसको नियुक्त किया गया? अस्करी को। गुजरात का शासक भी इसको नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ में क्या है कि जो मालवा का ये वाला जो एरिया है, कौन सा? ये वाला जो एरिया है, मालवा का जो एरिया है, ये भी किसको दे दिया जाता है? अस्करी को दे दिया जाता है इसके साथ साथ में। यानी कि अब किसका शासन हो गया? मालवा क्षेत्र और गुजरात पर किसका है? अस्करी का है। अब थोड़े से टाइम बाद में चीज सामने निकल के ये आती है कि बहादुर शाह क्या करता है कि अस्करी पर आक्रमण करता है और अस्करी को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और उसके बाद में शासन किसका हो जाता है? वापस बहादुर शाह का हो जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ स्टोरी किसकी? गुजरात संघर्ष की। आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज की क्लास अपने खत्म करते हैं। बाय बाय। और अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।